मुक्तिधाम के नाम पर कोयलीबेड़ा ब्लॉक के विकासपल्ली ग्राम पंचायत में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत विकासपल्ली के तत्कालीन सचिव द्वारा निर्माण कार्य किए बिना निगल लिया गया मुक्तिधाम का राशि। सचिव ने मुक्तिधाम के स्वीकृत राशि से 1,90,000 की राशि गबन कर लिया, तो वहीं मुक्तिधाम को नहीं बनाया गया। वहीं मुक्तिधाम स्वीकृति होने पर भी आज ग्रामीण मृत्यु होने पर लाश को इधर उधर दाह संस्कार करने में मजबूर हैं। पिछले 2 साल पहले कुछ मटेरियल डालकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गए सचिव द्वारा मुक्तिधाम का राशि आहरण कर गबन कर लिया है। जब सचिव का स्थानांतरण हुआ और दूसरे सचिव पंचायत में प्रभार लिया तो इसका खुलासा हुआ कि सचिव ने मुक्तिधाम का पैसा आहरण कर लिया है। यहाँ पे लोग मरने के बाद हम लोग दफन करने के लिए लाते हैं, जलाने के लिए लाते हैं, तो यहाँ पे जो सामान फेंका गया है बहुत दिनों से फेंका गया है। अब तक जो मुक्तिधाम निर्माण कार्य होना था अब तक शुरू नहीं हुआ, सिर्फ सामान ही फेंका गया है। परेशानी तो होता है बहुत, बरसात के टाइम पानी गिरता है, आग बुझ जाता है, फिर जलाना पड़ता है, इस तरह का। हम लोग पूरा बैठक लिए थे जब कानून सचिव चार्ज लिया है, तो उस समय पता चला है कि एडवांस राशि निकला है, तो सचिव ने किसी को बिना जानकारी से, यहाँ तक कि सरपंच को बिना जानकारी से राशि आहरण किया 1,90,000। जब बैठक में बुलाए थे कि बार आया है, अभी तो आते नहीं फोन करने, इसलिए हम लोग शिकायत कर दिए कांग्रेस।